अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। 20 शाबान अल मुअज़्ज़म है, 24 मार्च है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबर का उनवान है, योगी आदित्यनाथ एक बार फिर बीजेपी मेंबरान असेंबली के लीडर चुन लिए गए। आज बीजेपी की मीटिंग हुई है जिसमें तमाम मेंबरान असेंबली ने योगी आदित्यनाथ को अपना लीडर चुन लिया है। आपको पता ही है कि बीजेपी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने इस बार इंतखाबात में 273 सीटें हासिल की हैं, जबकि समाजवादी और उसकी इत्तेहादी पार्टी ने 125, बहुजन समाज पार्टी ने 1 और कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटें हासिल की हैं। अब वो गवर्नर से मुलाकात करेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और कल तकरीबन 4 बजे अपने अहदे का हल्फ लेंगे। इस खबर के साथ साथ मैं उन यूट्यूबरों का ध्यान दिलाना चाहूँगा जो पिछले 2 हफ्ते पहले ये खबर उड़ा रहे थे कि फला MLA 80 मेंबरान असेंबली को लेकर बीजेपी से अलग हो रहा है। कुछ अफवाह उड़ा रहे थे कि अमित शाह यूपी के वज़ीर आला बनने वाले हैं। उनसे दरख्वास्त है कि झूठी अफवाह फैलाकर अपना भरोसा आवाम में न खोएं।